उत्तर से हैं, जहाँ बलरामपुर जिले की पटवारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। आपको बता दें कि पटवारी संघ का अनवरत आंदोलन जारी है। वहीं पटवारी संघ के आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 8 सूत्री मांग है। इन मांगों को लेकर पूर्व में भी आंदोलन किया गया था, लेकिन उन मांगों पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो भूख हड़ताल के साथ साथ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। दूसरा है राजस्व शिक्षक पद पर व्यवस्था के आधार पर हम लोगों का पदोन्नति किया जाए। तीसरा है संसाधन नेट भत्ता हम लोगों को दिया जाए। चौथा, महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता हम लोग नहीं दिया जाता है उसको दिया जाए। और अतिरिक्त हल्के का प्रभार जो हम लोगों को अतिरिक्त हल्के का प्रभार जो दे दिया जाता है उसमें हम लोगों को कोई मानदेय नहीं मिलता है, उसमें मानदेय दिया जाए। और पटवारी भर्ती में योग्यता जो है 12वीं पास है जिसको योग्यता को स्नातक किया जाए। और मुख्यालय में निवास की बाध्यता जो किया जाता है उसमें हम लोगों के बच्चे देहात में अच्छी ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि तहसील मुख्यालय में हम लोगों के बच्चे रहें, उसमें हम लोगों के मुख्यालय में रहने की बाध्यता को दूर किया जाए। और अंतिम है 8वां मांग है जो विभागीय जाँच के दौरान ही हम लोगों का कोई भी FIR दर्ज वगैरह किया जाए। हम लोग को छोटी मोटी अगर गलती हो जाता है या लिखित त्रुटि हो जाता है उसमें तुरंत FIR कर दिया जाता है, उसमें हमको कार्रवाई किया जाता है, जिसमें हम लोग कार्रवाई के दौरान दर दर भटकते रहते हैं। इससे यह चाहते हैं कि विभाग हम लोग का जांच कर ले, इसके बाद हम लोग पर कार्रवाई हो या FIR दर्ज।